फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एनएलयू दिल्ली ने अपनी एलएलएम प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया फॉर 2023 एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनएलयू दिल्ली एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज आईलेट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम क्या है, एलिजिबिलिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सीट मैट्रिक्स क्या है, दैट इज डिवीजन ऑफ सीट्स क्या है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और टिप्स टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स और वीडियोज आपको मिलती रहे। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। चलिए, बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, सो ये 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम है और बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड फेमस एलएलएम प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सो एलएलबी डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एलएलबी जो प्रोवाइड करे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरल के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। 3 ईयर एलएलबी जो लोग कर रहे हैं वो अपने 5th सेमेस्टर में हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये लोग एडवांस में 2023 के लिए एडमिशन ले रहे हैं जिसका कोर्स जो है वो जून जुलाई में शुरू होगा। इसलिए जो 5th सेमेस्टर में, दैट इज अपने 2nd लास्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, देखिए नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुकी है, 7th ऑफ सेप्टेम्बर को आ गई है और 15 नवम्बर इसकी लास्ट डेट है। ध्यान रखिए इस डेट को, 22 नवंबर एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और 11 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा 2023 सेशन के लिए। आप ये मत सोचिए ये इस साल का सेशन है, ये 2023 का सेशन है। 11 दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास करीब 40 दिन हैं आज से लेकर प्रिपरेशन करने के लिए। सो अब इसकी बात करें फीस क्या है फॉर्म की, सो 3500 के आसपास का आपका फॉर्म होगा। अब आगे हम बात करने वाले नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सो टोटल 80 सीट्स हैं, 70 फॉर इंडियंस, 10 फॉर फॉरेन नेशनल। और अगर इसके डिवीजन की हम बात करते हैं, सो जनरल के लिए 32 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब इसी 32 में से 2 पीडब्ल्यूडी को सीट दी जाएंगी। सो टोटल 30 सीट्स जनरल के लिए। ओबीसी के लिए सिमिलरली 15, शेड्यूल कास्ट के लिए 11, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5, EWS के लिए 7 सीट्स जिसमें कोई PWD रिजर्वेशन नहीं है और टोटल आप ये देख सकते हैं 70 सीट्स है, 10 सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल और 1 सीट दे रखी है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। सो टोटल आपका ये 81 बन जाता है ग्रैंड टोटल। एग्जाम सिलेबस की हम बात करें तो एग्जाम का जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 करने होंगे। अब पार्ट ए की बात करें, इंग्लिश और लीगल रीजनिंग पूछा जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लीगल रीजनिंग में ये आपका सिलेबस होगा और यही सेम सिलेबस आपका पार्ट बी में भी होगा। सो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो 2 मार्क का होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स का ये बन गया और 50 मार्क्स का ये बन गया, तो पार्ट ए आपका 75 मार्क्स का बन गया। आपको इंडिविजुअली हर एक पार्ट में कम से कम 50% लेके आने हैं तभी आपका इवेल्युएशन होगा पार्ट बी का, नहीं तो आपका पार्ट बी का इवेल्युएशन नहीं होगा, इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। अब पार्ट बी तक जब आप पहुंचेंगे तो 10 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और वो 2 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए 75 मार्क्स का हो गया, पार्ट बी 75 मार्क्स का हो गया, टोटल 150 मार्क का आपका पेपर बनेगा। अब इसमें आगे मैं बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करेंगे कि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, सो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कह सकते हैं 60 क्वेश्चन होंगे, बट इसमें 10 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 52 क्वेश्चंस। नाउ टोटल मार्क्स ऑफ 150 और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। प्लस 1 पॉजिटिव मार्किंग है आपके सही आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो पेपर आप जो देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर जो है
पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव और पार्ट बी आपका है वो है सब्जेक्टिव, पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव है। नाउ अब एंट्रेंस एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। देखिए एंट्रेंस एग्जाम फीस जैसा मैंने बताया 3500 है फॉर जनरल, ओबीसी एससी एसटी आपका पड़ेगा 1500, एंड आपके जो ईडब्ल्यूएस है वो भी 3500 ही देना पड़ेगा। केवल बीपीएल जो है उनको फीस एग्जेम्प्ट की गई है, और ये आपका कॉलेज फीस स्ट्रक्चर है जो होने वाला है। अब बात करते हैं प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखिए जब आप पेपर देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको जहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप देखेंगे प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम लीगल की बात करें वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है वो सारे कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज जितने हैं आपके उससे पूछा गया है। अब ये किया कैसे जाए, इसके लिए आपको जो लीगल न्यूज है उससे टच में रहना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उससे टच में रहना पड़ेगा, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उससे टच में रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ सिलेबस आपको थॉरली स्टडी करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर अच्छे से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक सैम्पल पेपर दिया गया है आईलेट द्वारा, मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा आप उसमें से देख सकते हैं। इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज पे हम खुद भी वीडियोस बनाएंगे और डेली बेसिस पे बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये हम आप तक पहुंचा सकें और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इट। थैंक यू सो मच।